दोस्तों, जीवन में पैसा कितना ज़रूरी है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ जो लोग ये कहते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, उन्हें जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को देखने के बाद सड़क पर जीवन बिताने वाले लोगों पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए। यकीनन आप पैसे का महत्व समझ जाएंगे। आज के इस ज़माने में बिना पैसे के जीना लगभग नामुमकिन है। जीने के लिए पैसा उतना ही ज़रूरी चीज़ है जितना कि हवा, पानी और खाना। यही वजह है कि आज भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई पैसे को पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, इस पैसे में इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। पर इस पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई, ये कब बना, कहाँ बना, कैसे इसने लोगों को अपना गुलाम बना लिया, और सबसे ज़रूरी, पैसा क्या है, व्हाट इज़ मनी। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? मतलब अगर पूरी दुनिया के पैसों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये कितना पैसा होगा? चलिए हम आपको बताते हैं, वो है 36.8 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, ये सिर्फ वो पैसा है जो नज़र आता है। जो नज़र नहीं आता वो है 1,300 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहाँ से, पैसे को किसने बनाया और क्यों बनाया? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको जाना होगा आज से 17,000 साल पहले, यानी कि 15,000 BC में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में ही रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन उतना शिकार मिल पाना जिससे इनके पूरे कबीले का पेट भर जाए, ये पॉसिबल नहीं था। पर भूख को तो कोई रोक नहीं सकता था। इनकी ये भूख ही थी जिसने इस कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा, और ये एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान करने लगे। ये अपने हथियारों के बदले में ताज़ा मांस लेते थे, और इसी तरह से उस समय बार्टरिंग सिस्टम का जन्म हुआ, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। रिसर्चर्स की माने तो इस बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाले मेसोपोटामियन ट्राइब्स थे, जो साउथ वेस्ट एशिया का मेसोपोटामियन रीजन में रहा करते थे। आज के समय में यहाँ पर इराक है। बार्टरिंग सिस्टम ने लोगों के अंदर कई तरह के परिवर्तन लाए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था ट्रेड। लोग एक दूसरे से अब ट्रेड करने लगे थे। जो लोग एक समय अपने भोजन के लिए एक दूसरे का खून के प्यासे हुआ करते थे, वो अब व्यापार करने लगे थे। इसी के साथ समय बीतता गया और आबादी बढ़ती गई। हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ साथ अनाज उगाने लगे, तो उन्हें बार्टरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां देखने को मिली। आबादी अधिक होने की वजह से उन्हें ये याद रखने में कठिनाई होने लगी कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किससे क्या लेना है। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी बार्टरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि बार्टरिंग सिस्टम के लिए दो लोगों की रजामंदी ज़रूरी होती थी, क्योंकि कई बार ट्रेड करते समय एक इंसान को तो उसकी ज़रूरत का सामान मिल जाता था, लेकिन अगले व्यक्ति को वो चीज़ नहीं चाहिए होती थी जो सामने वाला उसे दे रहा है। इसलिए एक समय के बाद इस तरह से ट्रेड को करना काफ़ी मुश्किल हो गया, और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसे को जन्म दिया गया। लेकिन ये वो पैसा नहीं था जो आज आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। ये थी कमोडिटी मनी, यानी उस समय के इंसानों ने हर उस चीज़ को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो मूल्यवान थी, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी, जैसे पालतू जानवर जिसमें गाय, भैंस, बकरी, गधा शामिल थे। इसके अलावा हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, तलवार आदि। साथ ही जानवरों की खाल, नमक, मोर के पंख, अल्कोहल, सबसे अंत में इंसानों को भी दासों के रूप में कमोडिटी मनी में शामिल कर लिया गया। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो कर दिया, लेकिन इसकी भी एक कमी थी। इसमें हर व्यक्ति अपनी चीज़ को सामने वाले की चीज़ से अधिक मूल्यवान बताने लगा, जिससे एक बार फिर से ट्रेड करना मुश्किल हो गया। इसलिए अब एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी के चीज़ों की कीमत तय कर सके, और लोगों की इसी ज़रूरत ने मेटालिक मनी की शुरुआत की। आज से 2600 साल पहले 600 BC में एंशंट ग्रीस में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। वहां सोने और चांदी को मिक्स करके कॉइन्स बनाए गए। इन कॉइन्स के ऊपर शेर या बैल के चित्र अंकित होते थे। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टार्टर। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन ग्रीक सिक्के से पहले के हैं।
आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि दुनिया में सिक्के बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 BC में हुई थी। चीन के लोग उस समय पीतल और तांबे के सिक्के बनाते थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि इन सिक्कों का लाइडेंस टाटा की तरफ प्रसिद्धि नहीं मिली। लाइडेंस टाटा के बाद ही दुनिया में सिक्कों की भरमार आई। हर एक राजा, हर एक शासक ने अपने नाम के सिक्के निकाले, जिससे दुनिया का हर एक शख्स सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा। इन सिक्कों ने ट्रेड में क्रांति ला दी। वैसे देखा जाए तो मेटल मनी भी कमोडिटी मनी का ही हिस्सा थी। फिर समय आया 500 BC का, जब ओवरसीज ट्रेडिंग अपने पीक पर थी। उस समय व्यापार इन्हीं सिक्कों के जरिए होता था, लेकिन इन सिक्कों की सबसे बड़ी कमी इनका वजन थी। वजन अधिक होने के साथ साथ ये समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लेते थे। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत अधिक समय लगता था, जिस वजह से इनके चोरी होने का भी खतरा बढ़ गया था। इन्हें गिनने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। इसीलिए अब सिक्कों की जगह पर एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई जो वज़न में हल्की हो और जो आसानी से स्टोर और काउंट किया जा सके। वैसे ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यही पेपर मनी के साथ भी हुआ। लोगों की ज़रूरतों ने पेपर मनी को जन्म दिया। साल 1289 में मंगोल चाइना का शासक, जो कि चंगेज खान का पोते थे, कुबला खान ने बार्क ट्री की छाल से सबसे पहले पेपर मनी को बनाया। इस पेपर मनी को उस समय IOU यानी कि IOU कहा गया, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। यानी जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे, तब तुम्हारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस कागज़ को बदलने की जगह उसी से ट्रेड करना शुरू कर दिया, और समय के साथ साथ ये पेपर मनी चाइना के बाहर फैल गया। अब लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा IOU यानी कि पेपर मनी को पाने की होड़ लग गई। इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आए, जो लोगों से उनके सोने चांदी हीरे लेकर उन्हें पेपर मनी देने लगे, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज़ थी जिसे वो जितना चाहे उतना छाप सकते थे। और लोग भी इसे लेने लगे, क्योंकि सोने चांदी के चोरी होने का डर लगा रहता था। कुछ समय बाद ये मिनी बैंक लोगों को IOUs उधार देने लगे, जिससे पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की अधिकता ने इन्फ्लेशन को जन्म दिया, यानी कि महंगाई आ गई। जो सामान एक IOU में मिलता था, वो अब 10 IOUs में मिलने लगा। बैंकों में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने कि शहर भर में पेपर मनी मौजूद थी। इस बात की खबर जब लोगों को हुई तो वे अपने सिक्कों को लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन बैंक्स ने खुद को दिवालिया घोषित दिया। अब लोगों का बैंक्स पर से भरोसा उठ गया। लोगों के पास जो बचे कुचे सिक्के थे, वो उसे अपने पास घर पर छुपाकर रखने लगे। पैसे का सर्कुलेशन भी अब पहले से बहुत कम हो गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर समय आया 1816 का, जब ब्रिटेन ने एक नए लॉ के तहत ये अनाउंसमेंट किया कि अब उनके पास जितना गोल्ड होगा, वे उतने ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट में ही दी जाएगी। इस तरह से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया, और कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी सारी कंट्रीज ने भी अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया। जिसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके आगे जो होने वाला था वो काफ़ी भयानक है। दोस्तों, देश में जब पैसा ज़्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होता है, जो महंगाई से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और साल 1930 में यही हुआ। USA में डिफ्लेशन हो गई, क्योंकि चीज़ों की कीमत कम होने की वजह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके। ऐसे सिचुएशन में लोगों के पास नहीं जॉब था और ना ही पैसा। जिसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, जिससे बैंक्स के पास उनकी फिर से पुरानी ताकत लौट आई, और अब वे एक बार फिर से धड़ल्ले से नोट छापने लगे। और फिर कुछ ही समय बाद इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की, जिसका काम ये रेगुलेट करना था कि देश में पैसा ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। लेकिन वो पैसा यानी IOU, जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, अब वो एक कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया था, जिसे फैट मनी कहा गया। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं, वो सभी फैट मनी हैं। फैट मनी यानी कि वो करेंसी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा लीगल टेंडर यानी कि कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए ये कागज़ की करेंसी हमें वो सब कुछ दिलाती है जिसकी हम चाह रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। दोस्तों अगर इस तरह के और भी टॉपिक्स आपको हिस्ट्री पे चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट टू ज़रूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।